आप सभी लोगों का डेली करंट अफेयर्स के ताबड़तोड़ रिवीजन में स्वागत है। आइए दोस्तों कर लेते हैं आज के दिन के सारे करंट अफेयर्स को ताबड़तोड़ रिवीजन। लेकिन दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि हमारा चैनल नया है, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों। इसलिए दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और हर हर महादेव बोलकर घंटी को भी जरूर बजाएं। आइए पढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को स्थगित करने का फैसला लिया है दोस्तों, बताइए। विकल्प सामने हैं, जवाब होगा झारखंड की राज्य सरकार ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को स्थगित करने का फैसला लिया है। अब देखिए दोस्तों, जब जंग छिड़ गया है झारखंड राज्य सरकार के बारे में तो आइए पढ़ते हैं। बताइए दोस्तों, कोरोना सहायता ऐप प्रज्ञाम ऐप किसने लॉन्च किया था? झारखंड की राज्य सरकार ने लॉन्च किया था दोस्तों। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना को भी झारखंड राज्य की सरकार ने ही लॉन्च किया था। इसी प्रकार दोस्तों, झारखंड की राज्य सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया है बताइए, 31 जुलाई तक कर दिया है। अब बताइए, हाल ही में किस शहर में कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ेदान रखने का फैसला किया गया बताइए दोस्तों। विकल्प सामने है, जवाब होगा इंदौर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सूखा कचरा नीले डब्बे में और गीला कचरा हरे डब्बे में होता है, लेकिन दोस्तों अब इंदौर ने अलग से पीले डब्बे का व्यवस्था किया है, किसके लिए? कोरोना अपशिष्ट के लिए। अब बताइए दोस्तों, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ये बताया है कि सुअर में G4 नामक वायरस पाया गया है बताइए दोस्तों। विकल्प सामने हैं, दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा विश्व परेशान है कोरोना वायरस से, तो दोस्तों इसका जिम्मेदार कौन है? चीन है। तो दोस्तों इसका भी जवाब क्या होगा? चीन। दोस्तों ये भी जानिए कि चीन ने नई डिजिटल करेंसी DCEP को भी लॉन्च किया था। हाल ही में किस राज्य में दूसरा प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है बताइए दोस्तों। विकल्प सामने है, अच्छा दोस्तों मुझे ये बताइए, ये तो दूसरा है लेकिन पहला राज्य कौन है? जवाब होगा दोस्तों दिल्ली। तो दोस्तों इसका जवाब होगा सेकेंड नंबर पर कौन है? असम राज्य है, जहां पर दूसरा प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है। और दोस्तों ये भी जानिए कि इसे असम के गुवाहाटी में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक का विमोचन बताइए दोस्तों किसने किया है? दोस्तों विकल्प सामने है, जवाब होगा M. वेंकैया नायडू जी ने इसका विमोचन किया है। दोस्तों मुझे ये बताइए, अभी हाल ही की बात है, #MeToo नामक पुस्तक किसने लिखा है बताइए? जवाब होगा दोस्तों करणपुरी ने लिखा है। दोस्तों ये भी बताइए, लीजेंड ऑफ सुहेल देव नामक पुस्तक किसने लिखा है बताइए? जवाब होगा दोस्तों अमित त्रिपाठी जी ने लिखा था। दोस्तों ये पुस्तक जो थी राजा सुहेल देव के जीवन पर आधारित है। और दोस्तों ये भी जानिए, इसमें बहराइच के युद्ध का शानदार वर्णन किया गया है। अब बताइए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये प्रति माह वजीफा देने की घोषणा की है बताइए दोस्तों। विकल्प सामने है, जवाब होगा तमिलनाडु की राज्य सरकार ने ऐसा कार्य किया है। अच्छा दोस्तों मुझे ये बताइए, कोविलपट्टी कदलाई मितई के लिए किसको मिला था GI टैग बताइए? दोस्तों इसी को तो मिला था, जवाब होगा तमिलनाडु। अब देखिए दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है, आपके पेपर में जरूर आएगा, बताइए हाल ही में किस IIT ने मोबाइल मास्टर जी को विकसित किया बताइए दोस्तों। विकल्प सामने है, जवाब होगा IIT कानपुर ने मोबाइल मास्टर जी को विकसित किया है। दोस्तों आपको बता दें, मोबाइल मास्टर जी के द्वारा कुछ ही सेकेंड में गैजेट आरामदायक घर के वातावरण में पूरे रिकॉर्डिंग सेटअप को पकड़ स्थिति और ध्यान केंद्रित कर सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में फिट इंडिया टास्क का शुभारंभ बताइए दोस्तों किसने किया? विकल्प सामने है, अच्छा दोस्तों मुझे ये बताइए, खेल मंत्री कौन है? जवाब होगा दोस्तों किरण रिजिजू। तो दोस्तों इसका भी जवाब क्या होगा? किरण रिजिजू ने फिट इंडिया टास्क का शुभारंभ किया है। अब बताइए दोस्तों, हाल ही में LPG संयुक्त उद्यम के गठन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया बताइए दोस्तों? विकल्प सामने है, जवाब होगा बांग्लादेश के साथ समझौता किया है। और दोस्तों बच्चे बच्चे को पता है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। मुद्रा क्या है? टका है। और दोस्तों वहाँ के PM कौन है? शेख हसीना जी हैं। और दोस्तों वहाँ के राष्ट्रपति कौन है बताइए? अब्दुल हामिद हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में बताइए दोस्तों किनको नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में? दोस्तों विकल्प सामने है, जवाब होगा वैशाली मोहंती जी को बनाया गया है। अब बताइए दोस्तों, हाल ही में भारत प्रशांत क्षेत्र में
बढ़ते तनाव के बीच निम्न में से किस देश ने 1 मेगाबिलियन 10 वर्षीय रक्षा योजना की शुरुआत की है? बताइए दोस्तों, विकल्प सामने है, जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला है, हाल ही में किस राज्य में आषाढ़ी एकादशी त्यौहार मनाया गया? दोस्तों बताइए, विकल्प सामने है। अच्छा दोस्तों मुझे ये बताइए, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है ना दोस्तों, तो दोस्तों इसका भी जवाब क्या होगा? महाराष्ट्र ही होगा। अब बताइए दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अपेक्स समिट 2021 को रद्द करने की घोषणा की है? बताइए दोस्तों, विकल्प सामने है, जवाब होगा न्यूजीलैंड। दोस्तों ये बताइए, अपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? जवाब होगा दोस्तों, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब दोस्तों ये बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों आपको बताना है कि यह किस देश के हैं? दोस्तों विकल्प सामने है, जवाब होगा फ्रांस के हैं। अच्छा दोस्तों ये बताइए, अभी हाल ही में एवर्टन वीक का निधन हो गया है, आपको बताना है यह किस खेल से संबंधित है? बताइए दोस्तों, विकल्प सामने है, जवाब होगा क्रिकेट से संबंधित है। इसी प्रकार दोस्तों, अभी हाल ही में उपा राक मलोवा जी का भी निधन हो गया है, आपको बताना है दोस्तों यह किस राज्य के पूर्व विधानसभा के स्पीकर थे? बताइए दोस्तों, विकल्प सामने है, सोचिए दोस्तों, जवाब होगा मिजोरम में। अब आइए दोस्तों पढ़ते हैं बिना विकल्प लिए, बताइए हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किनको नियुक्त किया गया? बताइए दोस्तों, विकल्प तो नहीं है, जवाब होगा इंद्रमणि पांडे जी को। अब आइए दोस्तों पढ़ते हैं 3 का तड़का, जो कि ओल्ड है पर गोल्ड है। बताइए दोस्तों, ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट किसने किया था आयोजित? और दोस्तों ये भी बताइए, कोरोना वॉच ऐप किसने लॉन्च किया था? बताइए, दोनों का आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक की राज्य सरकार ने। अब दोस्तों ये बताइए, ऑपरेशन शील्ड 5T प्लान किसने लॉन्च किया था? और इसके साथ ही साथ दोस्तों ये भी बताइए, पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला जाएगा? इसका जवाब दोस्तों हम नहीं, आप देंगे, कहाँ? कमेंट बॉक्स में लिख करके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन दोस्तों आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर हर महादेव बोलकर घंटी को भी ज़रूर बजा दीजिएगा। आपका दिन शुभ, धन्यवाद।